2019 के हेट स्पीच मामले में सपा नेता आजम खान को 2 साल की सजा सुनाई गई है। शनिवार को रामपुर की MP MLA कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। आजम ने लोकसभा चुनाव के दौरान एक चुनावी सभा में CMDM पर आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थी। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। आजम को 3 धाराओं में सजा सुनाई गई है, 2 धाराओं में 2-2 साल की सजा, जबकि 1 धारा में 1 महीने की सजा सुनाई गई है। हत्या और हत्या के प्रयास मामले को लेकर माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ शनिवार को गाजीपुर की MP MLA कोर्ट में फैसला आना था, लेकिन अब इस मामले में अगली तारीख यानी कि 27 जुलाई को बहस होगी। इस बात की जानकारी माफिया मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता लियाकत अली ने दी। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इसमें नगर पालिका अध्यक्ष के पैरों के आगे सर रखकर एक युवक पड़ा है, वो हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है। इस दौरान कुछ बात होती है और नगर पालिका अध्यक्ष उससे उठने को कहती हैं। इस वीडियो के वायरल होते ही अब सबकी सफाई सामने आई है। नगर पालिका अध्यक्ष शाहीन बेगम की सफाई में उन्होंने कहा है कि ये उनके खिलाफ एक साजिश है। साथ ही सफाई कर्मचारी ने शाहीन बानो को अपनी माँ समान करार दे दिया है। हरिद्वार में सावन की शिवरात्रि पर दशवेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। मान्यता है कि सावन की महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का सच्चे मन से जलाभिषेक करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बुलंदशहर के अनूप शहर में पुलिस ने पुष्प वर्षा करके कांवड़ यात्रियों का स्वागत किया। पुलिस ने छतों पर चढ़कर कांवड़ यात्रियों पर फूल बरसाए, मगर इसके बाद जैसे जैसे भोले के गानों का सुरूर सब पर चढ़ा और नीचे कांवड़ियों ने जमकर नाचना शुरू किया, तो उन्हें देखकर ऊपर पुलिस वाले भी अपने आप को रोक न सके और उनके पैर भी थिरकने लगे। बुलंदशहर की कांवड़ यात्रा से पुलिस वालों के डांस करने का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है।